हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर, और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। याद होगा तो हमने पिछले क्लास में बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स किए थे, ठीक है? तो उन एग्जांपल्स को तो मैं अच्छे से करना था, मैंने कुछ होमवर्क भी अटैच किया था और थोड़ा सा लेंदी होमवर्क था, तो मैं 6.1 अच्छे से करना था। तो तुम लोग वो पूरा अच्छे से करो। अभी भी बहुत लोगों ने मुझे होमवर्क सबमिट नहीं किया है, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया है कि होमवर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं आज का क्लास बहुत छोटा रखने वाला हूँ। कुछ 15 मिनट का कुछ एक लेक्चर रखने वाला हूँ, बस ये चार रूल्स है स्पेशल, कुछ नेक्स्ट टॉपिक में चार रूल्स है वो पढ़ा के आज खत्म करने वाला हूँ, ठीक है? और ये जो इम्पोर्टेंट आज का जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें वैदिक मैथ्स की तरह तुम्हें इसको याद रखना है, ठीक है? वैदिक मैथ्स मतलब जो तुम्हें मैथ्स स्पीड कर देती है, ठीक है? ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं जिससे तुम्हें बहुत सारे फटाफट ट्रिक्स पता होने चाहिए कि मैथ्स में कुछ स्क्वायर्स निकालने होंगे, तो ये टेस्ट तुम्हें अगर पता होंगे याद होंगे तो तुम तुरंत आंसर्स निकाल सकते हो, तुम्हारी मैथ की स्पीड बढ़ जाएगी। याद होगा तुम लोगों ने मूवी अभी नहीं आई है रिसेंटली शकुंतला देवी, तो वो जो शकुंतला देवी जो है वो यही मैथ्स के ट्रिक्स यूज करती है जिसको बोलते हैं हम लोग वैदिक मैथ्स। वो इतने सारे टॉप इतने सारे कंसेप्ट है वैदिक मैथ्स में, उनमें से कुछ कंसेप्ट आज अपन सीखने वाले हैं बस रिलेटेड टू स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है? तो बेसिकली मैं आज चार रूल्स पढ़ाने वाला हूँ और वो रूल्स है ये, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हेडिंग डाल देना मेथड्स और रूल्स टू फाइंड सम यूनिक स्क्वायर्स ऑफ सम यूनिक नंबर्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रूल है, देखो ये क्या लिखा है, उसके मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के जगह छोड़ी है। तो रूल देखो, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर ऑफ द फॉर्म A5। अब A5 का मतलब क्या है, जैसे कि सिंगल डिजिट है सामने है और उसके बाद 5 है, जैसे कि 15 25 35 45 55 65 75 85 95। ये सब जो नंबर है वो क्या है, A5 के फॉर्म में है। यहाँ पे A जो है वो टेंस डिजिट है और 5 जो है वो यूनिट डिजिट है। तो विच एंड्स इन, मतलब उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, वो 25 से एंड होगा और उसके सामने हैज अ नंबर A इनटू है, ये A इनटू A प्लस 1 बिफोर 25। अब ये होपफुली सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो देखो एग्जांपल से समझ में तो आ ही जाएगा। तो देखो वो क्या बोल रहा है, अगर हमें कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वेयर करना है जिसका मतलब जो टू डिजिट नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, कोई भी टू डिजिट नंबर को अगर स्क्वेयर करना है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो बिना कुछ किए हम लोग स्क्वेयर कर सकते हैं, मतलब बिना स्क्वेयर किए हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। कैसे करोगे आंसर निकालते वक्त, जस्ट लास्ट में याद रखना हमेशा एंड जो है, ऐसे नंबर हमेशा 25 से एंड होने वाले हैं, ठीक है? और जस्ट 25 के सामने कुछ डिजिट रहेंगे, वो डिजिट कैसे रहेंगे, तो ये डिजिट चेक करोगे कौन सा है। तो वो डिजिट देखो ए है, मतलब ए क्या है 1। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हमें ये वाली क्वांटिटी निकालनी है, यानी ए इंटू ए प्लस 1, इसका मतलब ही 1 × 1 + 1 दैट इज 1 × 2, मतलब 1 × 2 क्या होगा 2। हेंस ये आएगा, ये जो 2 आ रहा है उसको 25 के सामने लगा देना है, तो अपना जो 15 का स्क्वायर है उस तरीके से 225 हो जाएगा। तुम चाहिए तो इसको ऐसे नीचे लिख सकते हो कि 5, ये तो 2 है तो 2 यहां पे लिखा, ये वाला जो 2 है यहां पे आ गया और इसके बाद में 25 तो हमेशा आना ही है, तो हेंस 225। सिमिलरली ये फर्स्ट पार्ट लिख लो, चाहिए तो 25 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो। मैं इसको लिखता हूं देखो सीधा ही 2 × 3 को लिखा, ये जो 2 है उसको 2 को एक और उसके प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 3 = 6 होता है और लास्ट में 25 आने वाला है, तो ये बन जाएगा 625, ठीक है? तो इस तरीके से इसको हमेशा सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अब चलो बड़े नंबर लेते हैं 75 का स्क्वायर, तो तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग के दो डिजिट 7 × 8, देखो 7 जो है उसको 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस करके और लास्ट में जो 25 आने वाले लास्ट के दो डिजिट्स, तो ये पहले दो डिजिट्स क्या होगा, देखो 7 × 56 और लास्ट के दो डिजिट्स 25, तो 75 का स्क्वायर होता है 5625। सिमिलरली अभी 85 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो तुम लोग, 4th सपोज लेते हैं, या फिर चलो 95 का स्क्वायर निकालते थोड़ा ट्रिकी रहेगा, 95 या फिर 85 का स्क्वायर करते, चलो 85 का स्क्वायर, तो ओवरली अभी कर सकते हैं 8 है तो 8 × 9 = 72, तो पहला डिजिट 272 और 5 का स्क्वायर तो लास्ट में 25। सिमिलरली 95 का स्क्वायर भी कर सकते हो, 9 × 10 तो 9 × 10 = 90 आ जाएगा, 90 और 5 का स्क्वायर 25। तो देख सकते हो इतने बड़े स्क्वायर अपन कितने आसानी से निकाल रहे हैं। तो यही सब ट्रिक्स यूज होते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में, जो कि स्पीड मैथमेटिक्स जिसको जाना जाता है अच्छे से, ठीक है? तो ये सब तुम्हें ये रूल नंबर 1 सिखा रहा है कि अगर ऐसा कोई भी फॉर्म का अगर नंबर रहेगा तो उसके स्क्वायर्स निकालने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, बैठ के मल्टीप्लाई मत करना 85 × 85, वो वाला फालतू एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर आते हैं रूल नंबर 2 पे।
रूल नंबर टू थोड़ा सिमिलर है रूल नंबर वन पे। रूल नंबर वन में देख सकते हो बस टू डिजिट नंबर्स की बात कर रहा था। रूल नंबर टू जो क्या है वो कितना भी डिजिट का नंबर हो, बस ऐसा डिजिट का नंबर, मतलब कितना भी डिजिट, जैसे कि 100 डिजिट नंबर है वो भी चलेगा, 3 डिजिट नंबर है वो भी चलेगा, ठीक है। तो कोई भी डिजिट का नंबर है जो एंड हो रहा है 5 से, उसका भी स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल सपोज मैंने लिया 115 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 115 का होल स्क्वायर तुम्हें निकालना है। देख सकते हो ये फर्स्ट रूल से अभी कर नहीं सकते, हमें सेकंड रूल में जाना है। 3 डिजिट नंबर है ये, बस 2 डिजिट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 2 डिजिट नंबर्स ओनली, 2 डिजिट नंबर्स, तो ये बस 2 डिजिट नंबर्स के लिए था। 3 डिजिट के लिए क्या करना है, सेम ऑलमोस्ट सेम मेथड है, ऑलमोस्ट सेम है, बस क्या करना है लास्ट में तुम्हें 25 लिखना ही है। बस 5 को छोड़ को, मतलब 5 को छोड़ के जो भी बचा है यानी 11 उसको मल्टीप्लाई करो। इसको चलो लास्ट में लिखते हैं, पहले इसको समझाता हूं। तो 11 जो बचा है उसको, 11 को उसके नेक्स्ट वाले नंबर, उसके नेक्स्ट नंबर कौन सा है, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 12, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 11 × 12 कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 132। तो इसका जो आंसर जब निकलेगा तो तुम्हें क्या लिखना है, 115 का होल स्क्वायर, स्टार्टिंग में ये जो डिजिट रहेंगे वो तो लिखना ही है और लास्ट के हमेशा की तरह वो तो रहने ही वाला है 25। तो देखो कितना आसानी से हमने 3 डिजिट का स्क्वायर निकाला है। लेकिन ये जो स्क्वायर्स है वो हमेशा उन्हीं के लिए वैलिड है जब यूनिट डिजिट पे 5 हो, ठीक है। जैसे कि चलो एक और लेते हैं, 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर निकालना है। तो चलो यहाँ पे क्या करूंगा, ये पहला 12 ले लूंगा, मतलब 5 के जो छोड़ के उसके सामने जो बचा है, 12 इंटू उसके लगा अगला नंबर कौन सा है, 13। तो 12 इंटू 13 कैलकुलेट करते हैं, 13 × 2 = 26, तो यहाँ पे 6 आएगा और 13 × 13 + 2 = 15, तो 156 आ रहा है। तो इसका मतलब 125 का जो स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा, 156 सामने और लास्ट में 25। ये चीज़ तो तुम लोग कैलकुलेटर है, तुम लोग रफ में कैलकुलेशन भी करके चेक कर सकते हो, 125 का स्क्वायर आ रहा है 15625। चलो और बड़ा नंबर लेते हैं, 9925 लेके देते हैं, 995। तो देख सकते हो 995 का होल स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 99 × 100, बस ये सामने के दो डिजिट देखे, 99 × 100 किया तो ये बन रहा है 9900, और फिर ये नंबर क्या हो जाएगा, देखो 995 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा 9900 और लास्ट में बनेगा 25। तो होपफुली सबको क्लियर हो रहा है कि कितना आसानी से हम लोग बड़े बड़े स्क्वायर्स निकाल रहे हैं। चलो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा वाला ले रहा हूं एग्जांपल, तो समझना इसको अच्छे से। अभी सपोज मैं लेता हूं 10035, ऐसा कुछ लिया मैंने, 10035 का स्क्वायर है। तो देखो कितनी हालत खराब हो जाएगी 10035 का स्क्वायर करते करते, ठीक है। तो इसको तुम्हें बस क्या करना है, 10003 × 1004 इसको मल्टीप्लाई करना है बस, तुम्हें इतना बड़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा ये, क्योंकि सब 00 है इसमें, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 × 3 = 12, ये 104 यहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दो जीरो है, ठीक है। फिर तीसरे में क्या आएगा यहाँ पे, ये तो जो एक जीरो गया फिर दो जीरो गया, तीसरे में 1003, तो देख सकते हो 2107001। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया है 1007012। अब बस तुम्हें क्या करना है, लास्ट में जो 5 जो बचा हुआ है उसका स्क्वायर, तो इसका मतलब 10035 का स्क्वायर बनेगा 1007012 और लास्ट में 25। बस हर बार ये याद रखना कि लास्ट में हमेशा 25 आना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो रूल्स हैं, ठीक है। जब भी यूनिट डिजिट पे अगर 5 दिखे तो उसका स्क्वायर निकालना आपसे आना चाहिए। जैसे कि अगर तुम्हें अगर सपोज 95 का स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे था 95 का स्क्वायर, तो इस तरीके से तुरंत निकाल सकते हो, 995 का स्क्वायर इस तरीके से तुरंत निकाल लिया, 975 का स्क्वायर, 1005 का स्क्वायर, 1235 का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर निकालने के लिए तुम्हें ये दोनों रूल्स का यूज करना पड़ेगा। तो ये दोनों रूल अच्छे से नोटबुक में लिख लो, और भी कुछ रूल्स है, दो रूल्स और बचे हैं तो उसको फटाफट बता के आज खत्म करेंगे, तो ये फटाफट लिख लो नोटबुक। चलो आज के लास्ट के दो रूल्स भी देख लेते हैं, यहाँ पे रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 दोनों दिखाया हुआ है, ठीक है। तुम्हें भी लिखना है नोटबुक में, उसके एग्जांपल्स भी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर ऑफ द फॉर्म 5 है। अब क्या था, जो रूल नंबर 1 और 2 थे उसमें यूनिट डिजिट पे 5 था, अब क्या है इसमें
दो नंबर टू डिजिट का नंबर है, यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से, टू डिजिट है ठीक है। और अगर रोल नंबर फोर को देखोगे तो वो वहां पे थ्री डिजिट के लिए है ठीक है। तो जैसे कि रोल नंबर वन भी था टू डिजिट के लिए, रोल नंबर टू बाकी सब डिजिट के लिए था, रोल नंबर थ्री टू डिजिट के लिए है और रोल नंबर फोर थ्री डिजिट के लिए है ठीक है। वन और टू में क्या डिफरेंट था, थ्री और फोर में क्या डिफरेंट है? वन और टू में जो फाइव जो था वो यूनिट डिजिट पे था, और थ्री और फोर में जो फाइव है वो सबसे लेफ्ट हैंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे है। जैसे कि अगर टू डिजिट नंबर की बात की जाए तो फाइव टेंथ डिजिट पे देखो, और अगर थ्री डिजिट नंबर की बात की जाए तो फाइव हंड्रेड डिजिट पे देखो फाइव ठीक है। तो ऐसे टाइप के नंबर्स का अगर तुम्हें स्क्वेयर निकालना है तो उसके लिए यहाँ पे दोनों के नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो तुम्हें फॉर्मूले के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल लेके तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। चलो सबसे पहला एग्जाम्पल, तो ये अगर 51 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है 25, यहाँ पे देख सकते हो ए की वैल्यू 1 है, तो 25 प्लस 1 इंटू 100 और प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ पे ए 1 है तो बस ए की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो गया 2600, क्योंकि 26 इंटू 100 तो 2600 हो जाएगा और ये एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया प्लस 1, तो 56 का स्क्वायर बन रहा है 51 का स्क्वायर बन रहा है 2601। सिमिलरली अगर 53 का स्क्वायर देखते हैं ठीक है, 53 का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करो तो 25 प्लस 3 है, ए की वैल्यू 3, तो 25 प्लस 3 28 इंटू 100 प्लस यहाँ पे ए है तो ए की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर तो ये बन जाएगा 2809। तो इस तरीके से 53 का स्क्वायर आएगा 2809। सिमिलरली और आगे बढ़ते हैं, चलो 56 का स्क्वायर करते हैं ठीक है, 56 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो 56 है, तो ए की जगह 6 है, तो 25 प्लस 6 31, तो 31 इंटू 100 3100 चीजों में लिख लेता हूं यहाँ पे, 25 प्लस 6 इंटू 100 प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है 6, तो 6 स्क्वायर, तो देखो कितना बन रहा है 31 इंटू 100 प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 3100 प्लस 36, तो 56 का स्क्वायर बन रहा है हमारे पास 3136। तो इस तरीके से तुम लोग कोई भी डबल डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो जिसका फर्स्ट डिजिट है यानी यूनिट डिजिट टेंथ डिजिट जो है वो 5 है। जैसे कि लास्ट एक देखते हैं, चलो 59 का स्क्वायर देख लेते हैं ठीक है, तो 59 का स्क्वायर, तो 25 ए की जगह क्या है 9 है, तो 25 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 9 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34 इंटू 100 और 9 का स्क्वायर है 81, तो ये बन जाएगा 3400 प्लस 81, देयरफॉर कितना 59 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3481। तुम जो तो रफ में कैलकुलेट करके देख भी सकते हो ठीक है, 59 करके देख लो ठीक है। तो ये है स्क्वायर निकालने का एक रूल जिसमें टेंथ डिजिट 5 और यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे 9 टोटल स्क्वायर्स तुम लोग निकालने का ट्रिक बताया है, जैसे कि 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, ऐसे टाइप के स्क्वायर्स निकालने हैं तो रूल नंबर 3। सपोज 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए रूल नंबर 4 का यूज किया गया है। तो रूल नंबर 4 में क्या है, देखो 5ab ऐसे फॉर्म का अगर कोई नंबर आ रहा है, जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, चलो 511, तो ऐसा कोई नंबर का स्क्वायर करना है जो 3 डिजिट नंबर है और 100 डिजिट पे 5 है और बाकी 2 डिजिट कुछ भी हो, 1112 जो भी है, तो 511 का स्क्वायर करना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे 25 था तो यहाँ पे 250 लेना है, तो 250 प्लस ab, a देखो a कितना है 1 है और b भी कितना है 1 है, तो उसको वैसे का वैसे ही रखोगे 11 इंटू 100 प्लस 11 का स्क्वायर, तो इस तरीके से पूरा इक्वेशन लिखोगे, फिर ये क्या बन जाएगा 261 इंटू सॉरी 100 नहीं 1000 है वो इंटू 1000 प्लस ये बन जाएगा 121, तो ये क्या बन रहा है 261000 प्लस 121, तो ये बन जाएगा 261121। तो इस तरीके से ये 5 मतलब 3 डिजिट के स्क्वायर्स के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक लास्ट का एग्जांपल लेता हूं ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, मतलब 3 डिजिट का थोड़ा सा गंदा सा नंबर लेते हैं 569 ठीक है, तो 569 का स्क्वायर निकालना है तो ये बन जाएगा 250 प्लस 250 प्लस देखो यहाँ पे ए बी क्या है, ए और बी, ए 6 है बी 9 है, तो 250 प्लस 69 इंटू 1000 और यहाँ पे तुम्हें निकालना पड़ेगा 69 का स्क्वायर,
चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये तुम्हें एक ट्रिक बताया था, एक और सिंपल ट्रिक जिससे क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 69 की जगह चलो 65 ले लिया है, तो तुम लोग भी इसको कैलकुलेट करने वाले हो। 565 का स्क्वायर, तो 250 + 65 ये वाला क्वांटिटी का यूज किया रूल नंबर 4 का, 250 + 65 × 1000 और +65 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना बन रहा है, 65 का कैलकुलेट करोगे 5 ये 1, तो 315 × 1000 +65 का स्क्वायर। अब रूल नंबर हमने 1 में ही देखा ही था, 65 का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए लास्ट में 25 लिखोगे और 6 का स्क्वायर 6 × 7 करोगे, याद है ना वो a × a+1 वही वाला यूज करना है। तो 6 × 7 = 42, तो ये बन जाएगा 4225, तो ये बन जाएगा 315000 + 4225 hence which is equal to लास्ट में 5 2 2 4 और 5 9 बन जाएगा, तो 319225। तो इस तरीके से 565 का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करोगे, रफ में कैलकुलेट करके देख सकते हो 319225। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर्स के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक ट्रिक्स होते हैं जिनको अपन यूज करते हैं तो स्क्वायर्स निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो ये रूल जो ये चार रूल्स लिखे हैं, ये चारों रूल्स को तुम लोग अच्छे से नोटबुक में साफ सुथरा लिखोगे, उसके मैंने जितने भी एग्जांपल्स कराए वो भी लिख करोगे, और उसके अलावा 6.1 जिन्होंने खत्म नहीं किया वो 6.1 एक्सरसाइज खत्म करो अपनी एनसीईआरटी की, और उसके अलावा जिन्होंने खत्म कर ली है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ होमवर्क अटैच किया है, वो तुम्हें होमवर्क अच्छे से अभी करना है। ठीक है, चलो यहीं पे आज खत्म कर रहा हूँ, छोटा सा लेक्चर रखा था तो इसी से अपन खत्म कर रहे हैं। लिखना अच्छे से, कोई भी डाउट अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे पूछना व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, हैव अ गुड डे, एंजॉय।